समझ में आ जाएंगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्शन से सी एस आई आर नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आपको दिया हुआ रखा है प्रॉब्लम नंबर सेवेंटी टू सी एस आई आर जून टू थाउजेंड फोर्टीन में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन क्या बताते हैं आपको कंसिडर दर रेट कॉन्स्ट फॉर दिंग आउटर सफियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे मैं रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू आउटरफेर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसीलिए अब रिएक्शन आपको दे रखा हुआ है एफई एच टू सिक्स थ्री प्लस एफ ई एच टू ओ सिक्स होल टू प्लस और इसका रेट ऑफ द रियक्शन आपको दिया हुआ है फोर पॉइंट जीरो पर पर मोल सेकंड एंड 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 अनदर सेट सेट ऑफ ऑफ रिएक्शन रिएक्शन दिस दिस 110 होल प्लस तो वन ये आपका दूसरा सेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट जो आयरन कॉम्प्लेक्स है उसका रेट ऑफ द रिएक्शन आपको 4.0 पर मोल पर सेकंड है एंड सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन है जो कि आयरन फिन कॉम्प्लेक्स है उसका रेट ऑफ द रियक्शन से इनहस रेट कॉन्स्टेंट फॉर दर रियक्शन इज ड्यू टू देंट क्वेश्चन आपको ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इन दोनों की रेट कॉन्स्टेंट में जो डिफरेंस है आवा कॉम्प्लेक्स का रेट ऑफ डरेक्शन फोर पॉइंट जीरो परमूल पर सेकंड है सेकंड है तो यहाँ पे आपको ये रीजन पता करना है कि ये जो रेट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट में जो इन्हांसमेंट हुआ है इनक्रीज हुआ है इनकेस ऑफ दिस आयरन फिन कॉम्प्लेक्स वो किसकी वजह से है ठीक है तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पहले आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे पहला ऑप्शन आपके पास है दी एच एन दिसन इज एक्सेंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर ऑरबेटल डेट इनह रेट ऑफ रियक्शन फर्स्ट ऑप्शन ये है आपके पास दूसरा है आपके पास दोलिन इज ए पाई डोनर लीगेंट इनहस द रेट ऑफ electron transfer reaction and the c option is the phenanthroline forms charge transfer complex with iron and facilitate the electron transfer reaction and the fourth option is your the phenanthroline forms kinetically labile complex with iron and facilitate the electron transfer reaction तो जब आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंडीशंस इन केस ऑफ आउटर स्फीयर मेकेनिजम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने स्टडी किया था वहां पे हमने देखा था कि जो पाए एक्सेप्टर लीगेंट्स हैं क्योंकि वो क्या करते हैं वो मेटर से मेटल से ये आपके पास एक मेटल है ठीक है पी एच ई एन फिनाथ्रलिन है और दूसरा ये मेटल है इस पे भी आपके पास फिनाथरिन है ये फेनाथ क्या है आपके पास इस, इस पाए एक्सेप्टर लिगन ठीक है एक्सेप्टर लिगन अब ये क्या करता है ये मेटल से एक मेटल से अगर हम इसको क्या माने रिडक्टन माने और ये अगर आपका ऑक्सीडेंट है तो ये पाए एक्सेप्टर लिगन क्या करते हैं ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपने पास क्योंकि इनके पास क्या होता है एंटीबॉन्डिंग जी पाए एंटीबॉन्डिंग और ऑर्बिटल्स क्या रहता है एम्पिटी रहता है खाली अवेलेबल रहता है अब ये क्या करते हैं मेटल से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे वाले मेटल के पास तो ड्यू टू दिस पाए एक्सेप्टर लिगेंड

Enhance in case of iron फिनाशलिन कॉम्प्लेक्सिस तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ए ऑप्शन सही हो ठीक है तो ऐसे आप नेट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका दिसंबर 2016 में पूछा गया है ये भी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको विच ऑफ दु स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे अबोट द रिडक्शन ऑफ दिस कोबाउट कॉम्पलेक्स कोबाउट का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो है आपके पास सी ओ सी एल एन एच थ्री होल फाइव टू प्लस और इसका रिडक्शन कर रहा है क्रोमियम ठीक है क्रोमियम सेकंड ठीक है या इसको हम ये भी लिख सकते हैं सीआर एच प्लस ये वाला कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का ठीक है अब ये रिडक्शन कर रहा है क्रोमियम ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का विथ दिस क्रोमियम सेकंड कॉम्प्लेक्स इज करेक्ट अब आपको स्टेटमेंट देखना है कि ये जो ए बी सी डी चार स्टेटमेंट आपके पास दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग दिस रिएक्शन अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज हो रहा है सबसे पहले पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रिएक्टेन सीओ सी एल एन एच थ्री फाइव प्लस नॉन लेवल कोडिनेशन सिफियर ये नॉन लेवेल है मीनस ये इनर्ट है अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ठीक अब यहाँ पे आप देखेंगे कोबाल्ट हम पहले ये लेबाइल है या इनर्ड है वो देखेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट है पे प्लस चार्ज है लेकिन यहाँ पे इंटरनल एक क्लोराइड आयन है तो ये माइनस वन जो हमारा मोनोवाइलेंट है क्लोराइड तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे आपका माइनस वन कॉर्डिनेशन से के बाहर जाएंगे तो ये प्लस बनेंगे तो कोबार्ड आपका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमेशा क्या कहता है इनर्ट फॉर्म में रहता है कोवर्ड अंडर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन से ठीक है तो नॉन लेबाइल मींस ये लेबाइल नहीं है मींस इनट है एक ये है ठीक दूसरा रिएक्शन प्रोसीड्स बाय आउटर सिफियर मैकेनिज्म आउटर सिफियर मेकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन होंगे है या नहीं देखते हैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो साइलेंट फीचर हमने देखा था इनर्ट कॉम्प्लेक्स में कि दोनों क्या होना चाहिए इनर्ट होना चाहिए ठीक है तो अगर इनर्ट नहीं है तो एक अगर लेबेल है तो कंडीशन ये था आउटर सफियर के लिए कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए जो ब्रिज बना सके लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला क्लोराइड के 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 साथ 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 है है वाले जो इस क्रोमियम ब्रिज बनाएंगे तो ये आउटर अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं ठीक थर्ड देखेंगे सी सी थ्री प्लस है, है आपकी इस वाले कोबॉल कॉम्प्लेक्स का जबकि हमने कोबॉल कॉम्प्लेक्स का अगर, जब हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो अं, कम आ रहा है अंडर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हमेशा इनर्ट फॉर्म में रहता है लेबाइल में नहीं रहता है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट अब ये भी आपका रॉन्ग आंसर है फोर्थ ऑप्शन है रिएक्शन प्रोसीड बाई इनर सिफियर अब इनर सिफियर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ये वाला कोबाल्ट इनर्ड है ठीक है ये क्रोमियम लबायल है अब ये यहाँ पर रिएक्शन जो होंगे यहाँ पे कोबाल्ट के साथ एक ब्रिजिंग लीगेंड भी है तो ये रिएक्शन आपका इनर सिफियर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे यार आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे सही बन रहा है एक ए वाला ऑप्शन सही आ रहा है दूसरा आपका डी वाला ऑप्शन सही आ रहा है इट मीनस आपका ये दो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ दिस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बाय क्रोमियम कम्प्लेक्स इज करेक्ट सो यहाँ पे अगर आंसर में देखेंगे तो वन है आपका ए एन बी एन बी आपका करेक्ट है ए एन बी गलत है ए एन डी आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है मीन्स आपका ऑप्शन टू सही है थर्ड ऑप्शन आपका सी एन बी सही है सी आपका गलत है बी भी गलत है एन ऑप्शन नंबर फोर सी एन डी सी आपका गलत है डी आपका सही है सो यू आर करेक्ट आंसर सो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको क्या कंसिडर द रेक्शन ये वाला रिएक्शन आपको दो रिएक्शन दे रखे हैं एक है आपका क्रोमियम है CrH2O62+ प्लस प्लस सी ओ सी एल एन एच थ्री फाइव यही जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो दे रखे हैं ये वाला एक सेट ऑफ रिएक्शन दूसरा सेट ऑफ रिएक्शन है एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस प्लस मोलिपडेनम सी एन फोर थ्री माइनस ये प्रोडक्ट बनाते हैं एफ ई सी एन सिक्स थ्री माइनस एंड 3 प्लस आएंगे यहाँ पे एंड एम ओ सी एन ए फोर माइनस अब यहां पे आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको पता करना है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे सही है वो आपको देखना है फर्स्ट जो ऑप्शन वो आपको बता रहा है बोथ इन्वॉल्व एन इनर सिफियर मैकेनिज्म दोनों ये जो कॉम्प्लेक्स वो इनर सिफियर के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है या? ठीक है अब हम देखेंगे अगर हम रिएक्शन फर्स्ट को देखें तो यहां पे हमारे पास जो इनर इनरसिफियर मेकेनिज्म के लिए जो कंडीशन चाहिए वो फेवरेबल है क्योंकि यहां पे इस वाले के साथ एक क्लोराइड है जो हमारे पास ब्रिजिंग लीगेंड एक्ट कर सकता है बिटवीन दिस टू ऑक्सीडेंट एंड रिडेक्टेन तो आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तो इनरसिफियर के अकॉर्डिंग ये दिखा सकता है या इनर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो और, आ, complex, ये जो और आयरन कॉम्प्लेक्स इनर्ट कम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स है है ठीक और इनके पास कोई ऐसा लीगेंड नहीं है जो ब्रिज बना सकेंगे तो आपका पहला वाला ऑप्शन तो सही नहीं है दोनों इनर सिफियर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं एक इनर सिफियर दूसरा आउटर सिफियर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है दूसरा ऑप्शन मैकेजमे तो गलत हुआ ये भी गलत हुआ क्योंकि हमने देखा है ये इनर सीफियर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं ये आउटर सिफियर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं सेकेंड सेट ऑफ डरेक्शन ठीक है तो ये भी गलत हुआ थर्ड देखते हैं

फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या कहते हैं वन इनर सीफियर ये जो सेकंड सेट ऑफ रेक्शन इनर सेफियर को फॉलो करेंगे वो भी गलत है क्योंकि इनर सीफियर के लिए जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है इस वाले कॉम्प्लेक्स में एंड आउटर के लिए जो पहला सेट ऑफरेक्शन है वो फिजिबल नहीं है तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन थर्ड हैं अब हम देखते आंसर ए फर्स्ट ये 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 गलत 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 है fourth, ये भी गलत है है बी सेकंड सी फोर्थ भी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर सो इसका आपका जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन सी आएंगे ठीक है ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ठीक है तो ऐसे आप क्वेश्चन को पहले ठीक से देखेंगे फिर ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शंस में से जो भी आपका सही आंसर होगा वो आप टिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब देखो यहां पे क्या कहता है कंसिडर दॉलोइंग पेर ऑफ कॉम्प्लेक्स ये जो चार पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको दे रखेंगे उनको आपको देखना है कॉम्प्लेक्स कौन कौन से है पहला जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है ए पार्ट वो आपके पास है सी ओ एफ एन एच थ्री फाइव होल प्लस टू एंड इसका दूसरा सेट है आपका CR H2O एच टू ओ सिक्स होल टू प्लस ये एक सेट ऑफ रिएक्शन है दूसरा है आपके पास भी लिखते हैं हम इसको CO NH3 एन H2O

एन एच थ्री होल फाइव एन टू ये चार आर एच टू ओ अब आप यहां पे देखना है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट विल बी फास्टर इन दैर इन चारों में से सबसे जो फास्ट रेट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो किन में होंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा आउटर सिफियर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है और कौन सा इनर सिफियर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे एंड वी नो द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू इनर सिफियर मैकेनिज्म इज फास्टर देन Rate of electron transfer through outer sphere mechanism ठीक है rate of electron transfer through inner sphere mechanism faster रहते हैं थ्रू outer sphere mechanism तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी सेट में इन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है और कौन से में आउटर सिफियर और इसमें से जो आउटर सिफियर होंगे उनको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इनर सिफियर वाले मैकेनिज्म से फास्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो पहला सेट यहाँ पे आपके पास सी है एन एच है फाइव सीओ अब यहाँ पे इनरसिफियर के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए था एक ब्रिजिंग लीगेंट वो होना चाहिए वो इसमें है तो इसमें इनर्सिफियर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे अब यहाँ पे सेकंड सेट में देखेंगे तो यहाँ पे पांच एमिन ग्रुप है एक वाटर ग्रुप है अब ये भी आपको ध्यान रखना है कभी भी वाटर और एमोनिया ब्रिजिंग ग्रुप एक्ट नहीं कर सकते हैं दिस वाटर एंड एमोनिया वर एक्ट इज ब्रिजिंग लीगन ठीक है ये आप ध्यान में रखेंगे अब यहां पे जो एक्स्ट्रा लीगन है वो वाटर है तो वो ब्रिजिंग लीगन एक्ट नहीं करेंगे तो ये जो बी ऑप्शन है वो आपका आउटर सीफियर मेकेनिज्म के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे तो फास्ट होंगे नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो होंगे ऑप्शन को देखेंगे एंड पे भी कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है तो ये आउटर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है अब दो ऑप्शन बचते हैं आपका जो यहाँ पे आयोडाइड है ये ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं अब आपके पास दो ऑप्शन बचता है वन एंड ए एंड डी पार्ट इन दोनों में से देखते हैं कहाँ पे फास्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ठीक है अब ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर फर्स्ट पे हम देखेंगे ए में में क्या हो रहा है आपका कोबाल्ट और के बीच बॉन्ड बन रहा है और डी में आपका कोबाल्ट और आयोडाइड के बीच में बॉन्ड बन रहा है ठीक है अब हम देखेंगे यहां पे हमारे पास जो फ्लोरिन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिव देन धिस आयोडाइट सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे कोबॉर्ड और फ्लोरीन के बीच में तो यहाँ पे इजीली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे हावेवर जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन के सो so यहाँ पे वीक बॉन्ड बनेंगे बिटवीन कोबॉर्ड एंड आयोडिन सो इजिली इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस कोबॉर्ड टू आयोडिन एंड टू अनदर कंप्लेक्सेस सो द फास्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस इनकेस ऑफ कोबाल आयोडाइडी ऑप्शन ये आयोडाइड के थ्रू ब्रिजिंग लीगेंट के थ्रू आपका इजिली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे हावेर फ्लोरिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रॉनेगेटिव एलिमेंट है कोबाल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो आपका इजिली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे so your correct of option is and chromium h2o6. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू आउटर ये जो छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन कहते हैं फॉर दी फॉलोइंग आउटर सिफियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऑलरेडी आपको बता के रखा है क्वेश्चन में होगा, वो ही होंगे. दो सेट ऑफ क्वेश्चन है आपके पास एक क्वेश्चन है आपका सीओ एन एच थ्री सिक्स टू प्लस ये होता है आपका दूसरे कोबारेक्स के साथ और ये वाला रिएक्शन आपको दिखाता है ठीक है अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं नीचे ले अब रेक्शन को हम देखेंगे क्लियरली एक सेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास यहाँ पे CO NH3 एन एच थ्री होल सिक्स एंड दिस इज टू प्लस प्लस दूसरे को का कॉम्प्लेक्स है CO NH3 एन एच थ्री प्लस अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एस्ट्रिक्स हम या रेडो एक्टिव लेवल करते हैं दूसरा है आपके पास इसका जो प्रोडक्ट बनेंगे CO NH3 एन थ्री प्लस और सीओ एस एन एच थ्री सिक्स टू प्लस ठीक है ये एक सेट ऑफ रिएक्शन है दूसरा सेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास रुथुनियम के है Ru यू एनएच ठीक है जब ये रेक करता है दूसरे रिथ्युनियम के कॉम्प्लेक्स के साथ एन एच थ्री होल थ्री को हम एस्ट्रिक से डिफाइन करते हैं और यहां पे प्रोडक्ट बनता है आपका आर यू एन एच थ्री होल सिक्स थ्री प्लस होल सिक्स टू प्लस ये दो सेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास अवेलेबल रिएक्शन है अब आपको क्वेश्चन पूछते हैं द रेट कांस्टेंट आर ये पहले रिएक्शन के लिए आपके पास जो रेड कॉन्स्टेंट है वो है टेन रेस माइनस सिक्स मोल पर एंड एंड दूसरा रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है 8.2 10 raise 2 minus 1 S minus 1 डिफरेंस इन द रेट कांस्टेंट इज ड्यू टू इन दोनों में जो रेट कांस्टेंट की डिफरेंस है वो किसकी वजह से है वो हम देखते हैं ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है इनार्ड है या आ, बायल है और हम देखेंगे कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो इनकी जो स्पिन में कोई चेंज होता है या नहीं होते हैं उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है ठीक पहले वाले कॉम्प्लेक्स में और ये व्हीगली गेन है तो ये लबायल कॉम्प्लेक्स बनेंगे ठीक अब यहाँ पे सेकंड में जो एस्ट्रिक लगा हुआ कोबाल है वो है आपका प्लस और हमें पता है कोबॉल्ड प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा इनार्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ठीक ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट प्रोडक्ट में देखेंगे ये वाला कोबाल्ट अब इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आए तो ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे और इसके साथ ये आपका इनर्ट बनेंगे ठीक है और यहां पे आप देखेंगे ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका कोबाल्ट है दिस विल नाउ चेंज टू प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दियर दिस ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका लैबाइल है ठीक है यहां तक क्लियर है <coughs> अब यहां पे ये वाला है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे ठीक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे लैबाइल है यहां पे फिर ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है प्लस टू से प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब ये इनर्ड है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये आपका लोअ स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ठीक है यहां पे ये इनर है ये आपका लोअर है यहां ठीक? दूसरे साइड ऑफ पे अब हम देखते हैं दूसरे साइड में क्या हो रहा है आपका यहां पे रुथीनियम का कॉम्प्लेक्स है ठीक है अब ये जो रुथीनियम जो है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहां पर भी ऑक्सीडेशन 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 स्टेट 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 में पे 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 फिर state, यहां पे दिखा रहा है ठीक है ठीक अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है ये जो रुथीनियम जो है वो आयरन फैमिली का एलिमेंट है ठीक आयरन देन रुथीनियम देन ऑस्मियम ठीक आयरन आपका थ्री डी या ट्रांस है ऑलरेडी आपको बताया था कि जैसे जैसे 3D से 4D डी द ग्रुप हम मूव करते हैं हमेशा 4D एंड 5D वाले एलिमेंट्स आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं इनर्ट कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ठीक है तो 3D से जैसे आप नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे वो कम, वो वाले एलिमेंट्स हमेशा इनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे चाहे +2 में हो या +3 में हो ये वाला आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे ये आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे ठीक है ये सारे आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे ठीक है अब हम देखेंगे ये हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगेशन आ चुका है अब हम देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास तो पहला जो ऑप्शन कहते हैं ए चेंज फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन इन आपका जिस कोबाल्ट दिस रेडियोएक्टिव एक्टिव कोबाल्ट कोबॉल जहां पे एक्स्ट्रिक है ठीक है एंड हाई स्पिन टू लो स्पिन इन रूथेनियम ठीक पहला ऑप्शन आप ये देखेंगे अब पहला ऑप्शन अगर हम देखें ये एस्ट्रिक्स वाला हमारे पास जो कोबाल्ट है वो लो स्पिन से हाई स्पिन में चेंज हो रहा है ना कि हाई स्पिन से लो स्पिन में तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया बी पार्ट ए चेंज फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है एंड लो स्पिन टू हाई स्पिन इन रुथीनियम अब ये जो रुथीनियम इनर्ट है तो यहाँ पे हमेशा रहेंगे लो स्पिन रहेंगे यहाँ पे भी लो स्पिन यहाँ पे भी लो स्पिन है तो रुथिनियम में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ अब सी देखेंगे इन कोबॉल रेडो एक्टिव लेवलिट कोबाल एस्ट्रिक लोबाल अब यहाँ पे को कह रहे हैं कि कोबॉल्ड जो है लो स्पिन से हाई स्पिन में चेंज हो रहा है तो कोबॉल्ड हमारे लो स्पिन में था यहाँ पे हाई स्पिन में कन्वर्ट हुआ ये वाला ऑप्शन तो आपका सही है ठीक एंड अब रुथीनियम वाले सेट ऑफ रेक्शन में क्या कह रहा है दो स्पिन स्टेट रिमेंस अनचेंजेड इन रुथीनियम रुथीनियम का जो लो स्पिन स्टेट था वो कर, वो चेंज नहीं हो रहा है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि को, वाला ऑप्शन सही, सही है लो स्पिन टू हाई स्पिन में चेंज हो रहा है एंड हाई स्पिन टू लो स्पिन अब ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है।, में कोई नहीं आ रहा है तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है जिड इन रुथीनियम रुथीनियम की स्पिन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ भी लो स्पिन है यहाँ भी लो स्पिन है ठीक है तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो 4d डी एंड फाइव डी वाले ट्रांस एलिमेंट्स हैं, वो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है सो so, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ठीक नेक्स्ट है आपका और एक क्वेश्चन आता है रिएक्शन ऑफ CoClNH352+ सी प्लस बाई क्रोमियम जो ऊपर वाला रेक्शन हमने देखा था लिट्स टू दमेशन ऑफ क्रोमियम क्लोराइड अब यहाँ पे ये वाला आपका रिएक्शन दिखा रहा है देखो सीओ सी है एन एच थ्री फाइव होल्ड टू प्लस है यह रिएक्शन दिखा रहा है आपका क्रोमियम प्लस टू दिस क्रोमियम एच टू ओ सिक्स होल टू प्लस ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये आपका लिट्स टू दमेशन ऑफ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है सी आर सी एल एच टू होल टू प्लस ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है और ये ये आपसे पूछ रहा है 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 दिस इज एन एग्जांपल एग्जांपल ऑफ कौन सी रिएक्शन का है? आउटर क्या इनर सीफियर है, हाइड्रोलाइसिस है या बेस रिएक्शन है अब हम अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्लोरीन था वो पहले कोबाल्ट के साथ था अब ये क्रोमियम के साथ आ चुका है अब ये किस टेब ऑफ में ये पॉसिबल है ये है सिर्फ आपका इनरसफियर के अकॉर्डिंग जहां पे ये वाला लीगेंड जो क्लोराइड है वो पहले ब्रिजिंग बनाएंगे देन ट्रांसफर होगा फिर आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे देखो ये आपका एन एच थ्री फाइव है ठीक है देन कोबॉर्ड है देन ये क्लोराइड ब्रिज बनेंगे बिटवीन क्रोमियम एंड एच फाइव ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे प्लस फोर पहले स्टेप में ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से होंगे आपकी क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्लोराइड पे फिर क्लोराइड से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे आपके कोबॉल्ड में ठीक है अब ये कोबॉल्ड का क्या होगा रिडक्शन होंगे ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन ये क्लोराइड शिफ्ट होंगे टुअर्ड्स क्रोमियम यही आपकी इनफियर मैकेनिज्म का ठीक है थीके? तो ये वाला एग्जांपल पे नेक्स्ट तो रिएक्शन है इसको हम देखेंगे क्या पूछता है यहाँ पे जून टू थाउजेंड फोर्टीन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन कहते हैं रिडक्शन ऑफ रुथीनियम पेंटा आईमीन आइसो निकोटिना एम कॉम्प्लेक्स विद क्रोमियम आप पहले तो ये निकोटिना एमाइट का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए वो है इसका स्ट्रक्चर यह है ये है और एमाइड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एन एच टू ये आपका स्ट्रक्चर है ऑफ दिस निकोटिना एमाइट रुथीनियम कॉम्प्लेक्स अब ये कैसे बनेंगे ये निकोटेना एमेट है ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेंगे रुथीनियम के साथ और यहाँ पे आपका एनएच थ्री फाइव ये बाकी जो लीगेंड लगा हुआ है क्योंकि हाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये रुथीनियम का कॉम्प्लेक्स है इसका रिडक्शन हो रहा है रेक्शन हो रहा है किसके साथ आपकी क्रोमियम एग्जा एक्वा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के साथ ये वाला दूसरा आपका रेक्टर है ठीक ये आपके पास रेक्शन है अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है ये है आपका प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है आपका प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक तो यहाँ पे रिथुनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है क्लियरली है इसको निकालने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब हम देखते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स लबाइल है कि इनर्ट है तो हमें पता है 4D वाले सीरीज का है, तो ये हमेशा इनट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ठीक और क्रोमियम हमारे पास क्रोमियम प्लस टू है तो ये डी फोर सिस्टम है ठीक है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है टी टू जी थ्री तो यहाँ पे ई वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका कंप्लेक्स बनेंगे, ठीक? अब क्या होगा? इन दोनों में इनर के अकॉर्डिंग तो जन है इसके थ्रू क्योंकि ये ब्रिजिंग लीगन है यहाँ पे ब्रिजिंग लीगन ये जो आइसोनिकोटेनाट करेंगे तो आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेंगे आर यू एन एच थ्री होल्ड इसके साथ आपका लगा हुआ है निकोटीना एमएट आई निकोटिना एमएट ये कॉम्प्लेक्स है दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू अब ये ऑक्सीजन के थ्रू ब्रिज बनेंगे आपका ये वाला क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एच टू ठीक है एच टू जब ये यह यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स यहाँ से ये यह वाले एलिगेट बन जाएंगे एक वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो चार्ज है इस पे प्लस टू चार्ज है, ठीक है या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल प्लस थ्री चार्ज है, ठीक है तो ये वाला रिएक्शन आपका यहाँ तक आ गया ये आपका है प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स प्रिकर्सर Occur by उन्होंने कर रखा है एंड रेड ऑफ रियक्शन कम्प्लेक्स ठीक है सक्सेसर कम्प्लेक्स मीन फाइनल जो आपका फाइनल स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे रेड ऑफ द रेक्शन उसकी डिसोसिएशन डिटरमाइन करेंगे। इट टू किसकी वजह से होंगे अब ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से होंगे क्रोमियम से होंगे ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लस में था ये ठीक है ये प्लस में था तो यहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर होंगे अब यहाँ पे कंजुगेशन है कंजुगेशन होंगे तो आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्रोमियम से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर फिर यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होंगे आपका रुथीनियम ऑक्सीडेशन होंगे आपके क्रोमियम फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होंगे ये एन एच थ्री 5, ठीक है यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए रुथी तक आपका इलेक्ट्रॉन आ चुका है CO, ओ देन एन एच टू दे सी आर एच टू ओ फाइव नाउरऑल चार्ज ऑन द कंप्लेक्स इज रिमेन प्लस फाइव अब आपका यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है क्रोमियम से रुथीनियम पे यहाँ से कंजुगेशन से होते हुए अब इसका ऑक्सीडेशन हो, हो गया है तो ये प्लस थ्री बनेंगे ये आपका प्लस टू बनेंगे ठीक है प्लस टू बनेंगे और ये आपका फिर हो गया आपका सक्सेसर कॉम्प्लेक्स फाइनल स्टेप अब देखेंगे यहाँ पे इनकी इनर्टनेस और लेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये रुथीनियम है प्लस टू में हो प्लस थ्री में हो कहीं भी हो ये आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे 4d सीरीज के एलिमेंट है तो ये आपका यहाँ पे इनर्ट फॉर्म में रहेंगे अब यहाँ पे क्रोमियम जो है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है क्रोमियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आपके क्या है डी सिस्टम है अब यहाँ पे टी टू जी जीरो अब यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ प्रेजेंट टू T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। अब बेटल क्रोमियम भी क्या होगा इनर्ट फॉर्म में आ जाएंगे तो ये आपका सेट ऑफ रिएक्शंस हो गया अब हम ऑप्शंस को देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहते हैं इनट रूथेनियम ब्रिजेड टू इनट क्रोमियम सेंटर इनर्ट रुथीनियम इज ब्रिजिड टू इनट क्रोमियम सेंटर थ्रू दिशो के थ्रू ठीक पहला ऑप्शन ऑप्शन हमारा सही है दूसरा देखते हैं टू क्रोमियम सेंटर और कहां पे ये सक्सेसर वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है फाइनल जो कि अभी हमने यहां पे बनाया है अब यहाँ पे इनर्ट रुथीनियम तो है लेकिन क्रोमियम लवायल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ रूथीनियम रूथीनियम टू तो क्स फॉर्म नहीं करते हैं सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन रहा अब फर्स्ट ऑप्शन में हमारा इनरियम ब्रिजिट टू इनर्ट क्रोमियम ये सही है सेकेंड ऑप्शन इनर रुथीनियम क्रोमियम तो, तो ये इसका सही ऑप्शन है ठीक है तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अकॉर्डिंगली आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ठीक है तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो कि सी एस आई आर नेट में पूछा गया था बेसिड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जिसमें आपका पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू आउटर मैकेजम इनर मैकेजम और क्रॉस रिएक्शंस पे ऑलरेडी मैंने आपको क्रॉस रिएक्शंस को पढ़ाते वक्त वहां पे क्वेश्चंस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो ये था इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन Thank you for your cooperation.